पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी डिवाइस है जो हम इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके तीन अहम मुद्दे हैं। नंबर वन, ये डिवाइस क्या है और कैसे काम करती है। नंबर टू, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। और नंबर थ्री, हमें स्पेशल प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। तो ये एक छोटी सी डिवाइस है जो बैटरी ऑपरेटेड होती है और लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये देखिए, मैंने इसका बटन ऑन किया। अब इसमें दो डिस्प्ले आ रहे हैं, एक जिसमें परसेंटेज होता है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा आती है, और दूसरा जहाँ हार्ट बना होता है या पर मिनट लिखा होता है, ये हमारी हार्ट रेट को दर्शाता है। अब ये लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसमें अंदर जब आप देखेंगे तो एक तरफ आपको ये रेड लाइट दिखाई देगी, तो यह लेज़र बीम है जो हमारे नाखून के थ्रू पास होकर के इधर सेंसर है जो रीड करके हमें ये वैल्यू देता है। तो ये तो है पल्स ऑक्सीमीटर। अब हम इसमें ऑक्सीजन मॉनिटर कहाँ पर करते हैं। हमारी फिंगर्स में जो नेल्स होते हैं उसके नीचे एक बहुत ही रिच नेटवर्क होता है खून की नलियों का, और ये बिल्कुल नेल के पास में होता है। तो यहीं पर हम ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में चेक करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं कि आप इसको पहले ऑन कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि नाखून इस रेड लाइट की तरफ जाएगा। तो ये देखिए, ये रेड लाइट है, मैंने ये नाखून अंदर डाला, तो आप देख रहे हैं ये रेड लाइट दिखाई दे रही है। पूरा फिंगर को अंदर डाल करके हम ऐसे इसको छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद इसमें ये वर्टिकल बार आने लगेगी। जब ये बार पूरी उठ रही है तब इसका मतलब कि अब ये ठीक तरह से इसको रीड कर रहा है। आप दो रीडिंग देख सकते हैं, ऊपर 76, ये मेरी हार्ट रेट है, और नीचे 97, ये मेरा ऑक्सीजन है। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की मात्रा 100 हो, 94 के ऊपर कोई भी रीडिंग जो है वो नॉर्मल काउंट होती है। तो मैंने दिखा दिया आपको कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब कुछ प्रिकॉशन, ये नेल हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर नेल में कोई भी पॉलिश लगी है या नेल गंदा है तो वो रीडिंग गलत आएगी। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर लें, इसको ऑन करें, नेल को साफ करके रेड लाइट की तरफ फिंगर डाल करके उसके बाद 30 से 45 सेकेंड वेट करें, और आपका हार्ट रेट और आपकी ऑक्सीजन दोनों चीज़ें यहाँ डिस्प्ले पे आ जाएंगी। यह एक चीप डिवाइस है, 1000 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है, इजीली अवेलेबल है, और हर कोविड पेशेंट को इसको अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए।